दरअसल तीन भिन्न भिन्न बातें हैं जो बाइबल हमें हमारे मन के बारे में कहती है। सबसे पहले वो कुलूसियों 3:2 में कहती है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अब ध्यान लगाना सबसे महान कामों में से एक है जो हम सीख सकते हैं, क्योंकि हम प्रलोभन का अत्यधिक विरोध नहीं कर पाएंगे यदि हम पहले से ही ये न सोचे कि प्रलोभन होने पर हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रलोभन तो आएगा ही। ये जीवन की सच्चाई है, इसीलिए हमें पहले से ही ये सोचने की आवश्यकता है, मैं निरर्थक बातें नहीं करूंगा, मैं निरर्थक बातें कभी भी नहीं करूंगा। जब कोई मुझसे बात करना आरंभ करेगा किसी अन्य के बारे में और वो निरर्थक बात होगी तो मैं उस बात में हिस्सा नहीं लूंगा। मैं किसी और की ख्याति बर्बाद नहीं करूंगा, मैं पवित्र आत्मा को नाराज नहीं करूंगा, मैं निरर्थक बातें नहीं करूंगा। यदि आप ये सोचते हैं, उसके बाद जब आपको निरर्थक बातें करने का प्रलोभन होता है, आपके पास पहले से एक बुनियाद होती है और आपको वही बातें याद आने लगती है जो आपने मन में विचारों के द्वारा भरी होती है, और तब आपके लिए सही निर्णय करना उतना कठिन नहीं होता जितना उसने होना था यदि आपने वो निर्णय नहीं लिया होता कि ऐसी परिस्थिति में पड़ने पर आप क्या करने वाले हैं।